दोस्तों वेलकम है आपका इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर इन द हिस्ट्री आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बाइसेप वर्कआउट के बारे में। क्योंकि उनकी बाइसेप इतनी अच्छे से डेवलप थी कि आप इमेज में देख सकते हैं कि उनकी बाइसेप की पीक कितने अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी आर्नोल्ड जैसे बाइसेप चाहते हैं, अपने बाइसेप्स को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आर्नोल्ड अपने बाइसेप वर्कआउट में परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है बाइसेप बारबेल कर्ल। दोस्तों ये आर्नोल्ड की फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। इसे करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मोमेंटम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको कुछ इस तरीके से अपने हाथों को स्टेबल कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं टोटल 4 sets of 6 to 9 repetitions के। आइए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है अल्टरनेटिव डंबल कर्ल। दोस्तों ये एक्सरसाइज एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें आपको डंबल ऐसा लेना है जिससे कि आपसे 8 to 10 रेपिटेशंस आ सके। जब आप डंबल को ऊपर की तरफ लाएं, तब आपको डंबल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसा सोचना है कि आप जैसे अपने बाइसेप्स को फ्लैक्स कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो फाइबर्स है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से आपकी मसल तक पहुंच जाएगा, जिससे कि ऑब्वियसली आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सेट्स एंड रेपिटेशंस के बारे में। तो आपको इसके करने हैं टोटल 4 sets of 8 to 10 रेपिटेशंस के। कुछ ठीक इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। अल्टरनेटिव डंबल कर्ल के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, उसका नाम है डंबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपनी एल्बो को अपनी नी पर कुछ इस तरीके से रखकर, उसे स्टेबल रखकर आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। अगेन इसमें भी आपको जब आप डंबल को ऊपर लाएं, तब आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि एक काफ़ी अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं टोटल 3 sets of 10 to 12 रेपिटेशंस के। तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज इस वर्कआउट की, जिसका नाम है हैमर कर्ल, जो कि हमारी बाइसेप की ब्रेकियालिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को ट्रेन करती है। दोस्तों आपको डंबल को कुछ इस तरीके की पोजीशन में पकड़कर इस एक्सरसाइज को ठीक इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आप जब डंबल को नीचे लाएं, आपसे हो सके तो कंट्रोल्ड वे में एंड आपको स्लो नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 sets of 10 to 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं उस लास्ट एक्सरसाइज की तरफ इस वर्कआउट की, जिसका नाम है प्रीचर कर्ल। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जो आर्नोल्ड के फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। दोस्तों प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज का जो मेन बेनिफिट है वो है कि इसे परफॉर्म करते वक्त हमारी बॉडी का मोमेंटम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे कि जो सारा लोड है वो हमारी बाइसेप मसल पर आता है। तो बात करें इस एक्सरसाइज के सेट्स एंड रेपिटेशंस के बारे में, तो आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं टोटल 4 sets of 8 to 10 रेपिटेशंस के। आपको वेट ऐसा सिलेक्ट करना है जैसे कि आपसे 8 टू 10 रेपिटेशंस ही आ सके एंड आपको जो लास्ट सेट होगा उसमें आपको ड्रॉप सेट मारना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्रॉप सेट, सुपर सेट और जाइंट सेट क्या होते हैं, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस की आर्नोल्ड के बाइसेप वर्कआउट के बारे में, जो वो अक्सर मिस्टर ओलंपिया की तैयारी के लिए परफॉर्म किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फिट।